राजेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हथकार हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। और हमारा है आपका, नहीं किसी के बाप का। इस समय हम जिला मुख्यालय पर खड़े हैं और यहाँ पर देखते हैं कि भारी संख्या में आंगनवाड़ी महिलाएं आई हुई हैं। यहाँ पर इनका प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन की मांग थी कि पुष्ट आहार का उनका जो वितरण किया जाता उसका बहिष्कार करना था और लाभार्थी के खाते में रुपया जाना था। इस पूरे मामले को लेकर हम आंगनवाड़ी बहनों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगाए जाते हैं। क्या अधिकारी घोटाले करते हैं? क्या आशाएं घोटाला करते हैं? क्या था हमारी आंगनवाड़ी बहन कोई घोटाला नहीं करती है। अधिकारी ये चाहते हैं कि ये जो राशन आता है तीन तीन महीने का इकट्ठा देते हैं, हर महीने का न देकर, और उनसे ये कहते हैं कि आप एक महीने का वितरण कर दो और दो महीने का हमें पहुंचा दो। हमारी बहनें विरोध करती हैं, ये कहती हैं ये काम हम नहीं कर पाएंगे, जो आपने राशन दिया है उसे हम पूरा ही वितरण करेंगे। तो वह राशन उन्होंने नहीं उठाया और वो राशन उनका गोदाम में पाया गया। तो अधिकारियों, जब आप जिला आपूर्ति विभाग के लोगों ने वहाँ छापा डाला तो गोदाम पर मतलब ये पुष्टाहार पाया गया और अधिकारियों ने उस पुष्टाहार को अपना बचाव करते हुए आंगनवाड़ियों के सिर पर थोप दिया कि ये बेच कर गई हैं, जबकि वो अधिकारियों का राशन था। जब आंगनवाड़ी के केंद्र से नहीं मिला, उनके घर से नहीं मिला, तो फिर बताओ आंगनवाड़ी कैसे संलिप्त हो सकती है। तो क्या अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। हर अधिकारी ये चाहता है कि ये सारा राशन बिक के मेरी जेब में आ जाए, बस। और अब क्या इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई? क्या अधिकारियों को सिर्फ निलंबित दिखाया जा गया है और हमारे संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो क्या लगता है कि कोई कार्रवाई होगी ऐसा? मुझे नहीं लगता कि होगी। कुछ समय बहाल दिखा कर उन्हें तैनात कर दिया जाएगा, हमारी बहनों को जेल भेज दिया जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है, जो कड़ी है, इसे ही खत्म कर दिया जाए। शासन से हमने आज मांग की है कि हम पुष्टाहार का बहिष्कार करते हैं और जो घर देने का राशन है, DHR टेक होम राशन, इस राशन का पैसा लाभार्थी के सीधे खाते में जाए, जिससे ये ऊपर से नीचे तक का जो तांडव होता है, हमारी बहनों का उत्पीड़न होता है, वो खत्म हो जाए। किस तरह से ये बढ़ जाता है, किस तरह से अधिकारी कैसे बांट लेते हैं ये आपस में, कैसे भ्रष्टाचार होता है? अब ये तो अधिकारी जानते हैं इस चीज को, क्या दबाव बनाते तो महिलाएं करती नहीं है। जब ज्यादा दबाव बनता है तो उठाना बंद कर देती हैं, उठा के नहीं लाती तो वहाँ से वितरण में नाम चढ़ा दिया जाता है, वो खुद अपना कर लेते हैं, खुद बेच देते हैं। मतलब आप उठाएंगे नहीं तो खुद बेच देते हैं, खुद गायब हो जाता है ऑफिस से। अच्छा। भाई बेचना शब्द हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे सामने नहीं होता है ये सब, लेकिन गायब हो जाता है। वो जिम्मेदारी फिर आपकी बन जाती है? हमारी जिम्मेदारी क्यों बनेगी जब ऑफिस से गायब होगा? जब आंगनवाड़ी को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी तो अधिकारी को है ना, हमारी थोड़ी ही है। हमारे केंद्र पर आने पर हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उसे वितरण करते हैं और हमारे लाभार्थी हमारे गवाह होते हैं। कितना बढ़ता जा रहा भ्रष्टाचार, आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, तभी तो हम इकट्ठे होते हैं, हमें तकलीफ न होती तो क्यों इकट्ठे होते। बस हम इस उत्पीड़न को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम राशन का बहिष्कार करते हैं। कितना मानदेय मिलता हो आप लोग? हमारा मानदेय कुछ 4500 केंद्र सरकार से, 1500 राज्य सरकार से, 6000 रुपए आंगनवाड़ी, एक आंगनवाड़ी को 6000 रुपए, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप, ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप। कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, हमारा घर नहीं चल पा रहा है। 6000 रुपए से क्या होता है ना? ये 300 रुपए मजदूर को भी 500 रुपए मिलते हैं और हम लोगों को इतना काम दिया जाता है, 17-18 कम से कम 17-18-20 से के उसमें हम लोगों के पास रजिस्टर है, वो सारे मेंटेनेंस करने पड़ते हैं और सबसे ऊपर, और फिर उसको सुनने को मिलती है कि भ्रष्टाचार, आंगनवाड़ी चोर, ये खा गई वो खा गई, यहाँ नहीं आई वहाँ नहीं आई, मीटिंगों में बुला लेते हैं, ना टाइम देखे ना टाइम टेबल। अगर काम जो कराना है तो जो हमारा टाइम है उस टाइम पे हम लोगों को बुलाया जाए, 2 बजे के बाद अब सेंटर खत्म हो गए, आज सेंटर खत्म हो गए, अब सेंटर के बाद में वहाँ जाना ऑफिस। और हमारी आंगनवाड़ी बहने सच न बोले, अपनी पीड़ा किसी से न कह सके, इसलिए आज तैयार रैली का बहाना करके शहीद स्मारक में नशा मुक्ति की रैली निकालने के लिए सारी बहनों को वहाँ बुला लिया ताकि हमारा ये ज्ञापन फेल हो जाए। ये सब आंगनवाड़ी बहने थी
जो पुष्टाहार का विरोध कर रही हैं, उनका कहना है कि पुष्टाहार के चलते अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और इल्जाम उन पर आता है। 13 आंगनबाड़ी महिलाओं को निलंबित किया था जिसकी लड़ाई वो लड़ रही थी, आज उन्हें जीत हासिल हुई है, उन्हें बहाल किया गया है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि पुष्टाहार का खाता सीधे लाभार्थी के खाते में जाए। अपने साथी अनुज के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।